छत्तीसगढ़ राज्य में देश को धान का कटोरा कहा जाता है। प्रदेश में खरीफ फसलों में धान की बोआनी सर्वाधिक होती है। फसलों को चराई से बचाने के लिए रोका छेका की परंपरा रही है। इसी क्रम में कबीरधाम जिले के सभी ग्रामों में रोका छेका का आयोजन किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवसर पर सभी ग्रामों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, वन विभाग, पशुपालन विभाग एवं मत्स्य विभाग द्वारा मिलकर विभिन्न सामग्रियों का वितरण कर रोका छेका को प्रारंभ करेंगे। जिले में निर्मित गौठानों में कृषि विभाग द्वारा 250 पैकेट मिनी किट का वितरण किया जाएगा। 114 क्विंटल धान बीज एवं 750 क्विंटल रागी बीज का वितरण चयनित ग्रामीणों को किया जाएगा। इसी तरह रोका छेका के अवसर पर पशुपालन विभाग द्वारा गौठानों में पशुओं का टीकाकरण, बधियाकरण, आवश्यकता अनुसार कृत्रिम गर्भधारण, कृमिकरण के साथ विभागीय योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को शिविर के माध्यम से दी जाएगी। मत्स्य पालन विभाग द्वारा जाल, आइस बॉक्स एवं मछली बीज जैसे चीजों का वितरण कर ग्रामीणों को लाभान्वित करेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना बिहान अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह द्वारा गौठानों में बनाए गए उत्पादनों का प्रदर्शन एवं उसका विक्रय किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य रोका छेका की परंपरा को सफल बनाते हुए खरीफ की फसलों को चराई से बचाना है। इस हेतु ग्रामीणों को जागरूक करना है। जनता टाइम्स न्यूज के लिए कवर्धा से जीवन साहू की रिपोर्ट।